guys, a very good morning from Rajahmundry. Abhi uthi hoon, 10:30 the time is. I know kuch zyada so gaye because I was so tired, sona hi pada. I'll go fresh up and Rajahmundry dekhne jaungi. Jaise mera hota tha, I'll show you the oldest bit of Rajahmundry. So I'll fresh up, until then you guys check out the room, how is it looking. I'm all set to move from here. मतलब राजमंडी देखने के लिए जा रही हूँ. So जैसे ही वो देखना खत्म हो जाएगा, I'll come back to the hotel, bags लेंगे, फिर I'll move to Vizag. So you guys have a look with me how राजमंडी looks. तो अभी हम हैं राजमंडी के गलियों में. सिटी से गुजर रहा है. तो जो ब्रिज मैंने बताया था उसका नाम है धवलेश्वरम बैरेज और द धवलेश्वरम ब्रिज, जो कि काफ़ी पुराना है. इट माइट बी ब्रिटिश उस टाइम जब वो बिल्ड किया था. तो मुझे वही ब्रिज दिखाना था आपको, एंड आई एम गोइंग देयर. तो आज फेस्टिवल है, संक्रांति आया है, तो लोग फेस्टिवल मनाने में बहुत ही बिजी है यहाँ पे. एवरीवन यहाँ पे अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हुए. So guys, this is the Dhavleshwaram bridge I was talking about. Look at the beauty. And water, dekho kitna acha. It's looking awesome. So this was built around, I guess 1809 mein built kiya gaya hai by some Britisher named Arthur Cotton. Yes, the Arthur Cotton. So iska naam bhi diya gaya hai Cotton Barrage. So 1809, and that was huge. 1809, that's a long time. जब ये ब्रिज बिल्ड किया गया है, लुक एट इट, हाउ स्ट्रांग इट इज. अभी भी व्हीकल्स आ रहे हैं उस पर से. एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ वाटर. के पीछे दिस इज द व्यू, इजंट इट वाओ गाइस. और यहाँ पे पूरा शहर बसा है इसके बीच में. और मैंने बताया नहीं ना, मैं मम्मी के साथ आई हूँ. इवन शी लव्स टू ट्रैवल, तो सोचा पार्टनर, राइडिंग पार्टनर ही बना देते. तो मम्मी के साथ आई हूँ, एंड आई विल शो यू. मैं बाइक वहाँ से भी ले जाऊँगी, वो कैसा दिखता है वो भी देख लेना. But for a minute, enjoy this beauty. तो ये दूसरा व्यू है. मैंने मुश्किल से यहाँ आके ये दूसरा व्यू ले रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. So this is Sir Arthur Cotton, General Sir Arthur Cotton.
और यहाँ से ब्रिज का एंट्रेंस है। और अभी मैं सब कुछ आपको ब्रिज के ऊपर से कैसे दिखेगा वो दिखाती हूँ, तो देखिएगा। थोड़ा भूख लगा है, आपने एक ब्रिज देख लिया है ना, और सोचो कितने बाकी है, और चार ब्रिज बाकी है इतने ऐसे वाले, तो सोचो वो टाइम पे कितना, मतलब पता नहीं कैसा किया गया, पर अभी तक द ब्रिज इज़ वेरी स्ट्रांग एंड इट वॉज़ रिकन्स्ट्रक्टेड अगेन इन 1978। तो देखो बढ़िया लग, बढ़िया अभी भी ब्रिज, एंड अभी आगे चार ब्रिजेस और है, तो अभी बात नहीं करने वाली मैं, आपको पूरा ब्रिज ही दिखाऊंगी, सो एंजॉय। तो ये है वो ब्रिज, अभी मैं सोची हूँ रुकूँ नहीं रुकूँ, ट्रैफिक जाम हो सकता है, फिर मैंने देखा थोड़े बहुत व्हीकल्स रुके हैं, तो मैंने सोचा मैं भी रुक जाती हूँ।
गाइस आज लंच में मुझे फ़िश खाने का बहुत मन कर रहा था, तो न्यू नून की एक ऐसी जगह है जो ओपन रूफ लंच हो रहा है हमारा। आई शो यू फिश। तो गाइस पेट पूजा हो गया, अभी हम वापस होटल के लिए जा रहे हैं, वहाँ से बैग उठाएंगे और सीधा वाइजैक ही मतलब बीच में ब्रेक लेंगे, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं लेंगे। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो वाइजैक ही है, वहाँ जाकेंगे रुकेंगे। और खाना एकदम चुम्मा था, मतलब द फिश वॉज गुड और चिकन भी अच्छा था, मतलब एकदम बहुत अच्छा वाला खाना मिला, ऐसा लग रहा था कि घर पे खाई हूँ मैं, बहुत अच्छा खाना मिला। तो अभी होटल जाऊँगी, एक 10 मिनट का रेस्ट लूँगी पक्का, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे वाइजैक के लिए। तो मिलते हैं वाइजैक के रास्ते में, क्या तो होटल में। अंधेरे तो हुआ नहीं है, वैसे लगभग 7-8 तो बच जाएगा वहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ सीधा आप लोगों से वाइजैक जाके मिलती हूँ, आप बस राइड एंजॉय कीजिए। तो बॉस आगे फॉग तो देखिए एक बार, कुछ ज़्यादा ही ठंड है। टेम्परेचर तो कम ही होगा पर मतलब राइड करते हुए कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। इट्स अराउंड मे बी 15-20 के अंदर ही होगा, पर राइड करते वक्त तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाईवे तो बहुत ही सुंदर है, कितना अच्छा, जा सके पता है, आप बिलीव नहीं करते हो पर ये हाईवे पे मुझे अब तक बस शायद बस एक गड्ढा मिला, बस उतना ही। इतने साफ़ सुथरे रोड है, मतलब हर जगह साइंस, हर जगह इंडिकेटर्स, इतना स्मूथली ड्राइव कर सकते हो कि कैंट इवन से। बहुत अच्छा हाईवे है बस, बहुत अच्छा हाईवे। फाइनली रीच्ड वाइजैक, कैसे वैसे करके मैंने कर दिया यहाँ तक सक्सेसफुली टू वाइजैक, आई मीन हैदराबाद टू वाइजैक। अभी यहाँ पे आया है होटल, रेस्ट तो चाहिए तो वाइजैक में ही होटल लिया है। सो अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग एंड करके रेस्ट लूँगी, फिर कल सुबह वाइजैक के शहर देखने चलेंगे। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग, इसका पार्ट थ्री आने वाला है, वो मिस मत करना, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी द वाइजैक सिटी। तो सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। रुको आपको रूम भी तो दिखाना है ना, जस्ट अ मिनट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है इधर रूम। तो टाटा बाय बाय, आई एम स्लीपिंग नाउ, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।